मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक और आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी डेंगू और मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न, ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार की मात्रा 92 किलो कैलोरीज का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो खालिस्तान के बहिर्जीव विष द्वारा प्रेरित होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपने खाद्य अंतर्ग्रहण में खालिस्तान की वृद्धि करनी चाहिए, 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन की वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रिटीनता या वामनता खालिस्तान की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, लंबे समय तक रहने वाला हटी खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता खालिस्तान का संकेत हो सकती है क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है, उपरोक्त दोनों, उपकाई और उल्टियां एवं एडिमा। नेक्स्ट प्रश्न, मोटापा ग्रस्त शहरी बच्चों में खालिस्तान होने की संभावना अधिक होती है, ऑप्शन नंबर एक कुपोषण इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जानपदित रोग महामारी का अर्थ इनमें से किससे है, बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाला रोग या प्रकोप महामारी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है, उपरोक्त सभी, व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व एवं परिवेशी स्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान के उपयोग द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वयस्कों में अस्थि मृदुता खालिस्तान की कमी के कारण होती है, विटामिन डी के कारण होती है। नेक्स्ट, ICDS के मानदंडों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन का पोषक संपूर्ण है, 25 ग्राम प्रोटीन निश्चित रूप से देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूमोकोकल संक्रमणों में गंभीर रोग शामिल है जैसे निमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न, डिफ्थीरिया संक्रमण खालिस्तान के जीव विषजनक प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो खालिस्तान को संबोधित करती है, रक्तअल्पता या एनीमिया को संबोधित करती है। नेक्स्ट, किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है, उपरोक्त सभी में, 0 से 6 वर्ष के बच्चे की, किशोरियों में एवं गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियों में। नेक्स्ट प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना खालिस्तान को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई है अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, SARS का पूरा नाम बताइए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण इसका सही फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से खालिस्तान के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं, गर्भनाल या प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि दोस्तों 11 से 13 किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है GN, अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट, स्तनपान में अवपातन तनुकरण प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग दोस्तों क्वाशकोरकर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तस्राव रोग खालिस्तान की कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंध रखता है, फ्लॉवी वायरस। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से खालिस्तान हो सकता है, तंत्रिका नाल दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न,
10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? टिटनस टॉक्साइड नामक टीका दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बढ़ते बच्चों को खालिस्तान के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता होती है स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? सोयाबीन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पीयूष के विषय में या कोलोस्ट्रम के विषय में इनमें से क्या सत्य है? यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से श्रवित होता है और यह एंटीबॉडी का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है। टिटनस इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, DPT का लोकप्रिय नाम क्या है? ट्रिपल एंटीजन इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च खालिस्तान के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चल जाता है? दोस्तों, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मला की सतह पर बने गंदे सफ़ेद झागदार उभरे हुए धब्बे खालिस्तान कहलाते हैं, विटोट चित्ती कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रातःकालीन उपकाई मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली खालिस्तान के लिए प्रयुक्त शब्द है उपकाई। नेक्स्ट प्रश्न, वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन ए डी ई और के का अवशोषण बढ़ाता है? वसा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन एक डायसैकेराइड है? माल्टोज डायसैकेराइड है। नेक्स्ट प्रश्न, शहरी और ग्रामीण संख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारण क्या है? उपरोक्त सभी, अल्कोहल को प्रयोग, खराब आहार एवं तम्बाकू उपभोग। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश में रक्ताल्पता मुख्यतः खालिस्तान के कारण है, आयरन की कमी के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, दर्वी नख किसकी कमी से संबंधित है? दोस्तों, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया लोह न्यूनता रक्ताल्पता की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, 0.4 से 0.6 ग्राम या प्रति किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को माना जाता है, निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता है उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण है फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग। नेक्स्ट प्रश्न, अल्प पोषित गर्भवती माताएं खालिस्तान शिशुओं को जन्म दे सकती हैं जन्म के समय कम भार वाले। नेक्स्ट प्रश्न, संदूषित खालिस्तान के कारण हैजा होता है जल। नेक्स्ट प्रश्न, जब व्यक्ति को खालिस्तान होता है तब वह मुखीय पुनर्जलीय चिकित्सा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन होता है तब। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन मुख्य नामक में आयोडीन की मात्रा का आकलन खालिस्तान नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, आयोडोमितीय अनुमापन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, घर में ORS बनाने के लिए क्या चाहिए? उपरोक्त सभी, 1 लीटर जल, 40 ग्राम सुक्रोज एवं 1/4 छोटी चम्मच या चुटकी भर नमक। नेक्स्ट प्रश्न, HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचरित होता है? लार। नेक्स्ट प्रश्न, एस्कार्विक अम्ल का अच्छा स्रोत है? दोस्तों, ताजे फल व सब्जी एस्कार्विक अम्ल का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, पोलियो विषाणु खालिस्तान के माध्यम से फैलता है संदूषित भोजन एवं जल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित भोजन आहार में खालिस्तान शामिल होना चाहिए। उपरोक्त सभी, अनाज एवं दालें, दूध, मांस, वसा एवं शर्करा, फल एवं सब्जियाँ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और